Hi students, this is Professor Kartik Trivedi. You are watching me on my YouTube channel. तो आज हम देखेंगे बहुत ही important topic कि ये इसलिए important है क्योंकि इसके base पे ही सारे numerical होने वाले हैं। ये बहुत important concept है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो numerical आप नहीं solve कर पाओगे। तो चलो let's start करते हैं। तो topic का नाम है हमारा beam strength of gear tooth। या इसको कभी-कभी ऐसे भी पूछा जाता है exam के अंदर कि आप Lewis equation है वो क्या है आप समझाइए, Lewis form factor क्या है वो आप समझाइए, या फिर Lewis analysis क्या है वो आप समझाइए। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जीटीयू के लिए। तो बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि बीम स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो बीम स्ट्रेंथ है तो आप यहां पे देखो, ये आप मैं यहां पे स्क्रीन पे देखिए, मैंने गियर टूथ ड्रॉ किया हुआ है। मैंने आपको यहां पे गियर टूथ आपको दिख रहा होगा, सो यू कैन सी द गियर टूथ ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज द गियर टूथ विच यू कैन सी ऑन द योर स्क्रीन। अब देखो गियर टूथ के ऊपर एक दो लोड लगते हैं। मैंने आपको पिछले हमने वीडियो देखा था, गियर टूथ के ऊपर दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो होता है टेनजेंशियल, एक होता है रेडियल। पर जो हमारे रोटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा फोर्स होता है? टेनजेंशियल फोर्स होता है, ठीक है। तो अब ये टेनजेंशियल फोर्स लगता है, उसकी वजह से क्या होगा कि एक बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होता है। कहां पे बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होता है? तो गियर टूथ का आप जो देख रहे हो उसका बॉटम वाला पार्ट। तो आप देखो यहां पे रेक्टेंगल पोर्शन दिख रहा होगा आपको, बॉटम वाला पार्ट जो यहां पे हाईलाइट किया हुआ है। मैं यहां पे पेन यूज करता हूं ताकि आपको पता चले, ये जो गियर टूथ का बॉटम वाला पार्ट है ये, ठीक है। ये जो आप बॉटम वाला पार्ट देख रहे हो गियर टूथ का, वहां पे क्या होगा? सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस वहां पे लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप इमेजिन करिए, गियर टूथ है उसके ऊपर टेनजेंशियल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस एट द बॉटम क्रिएट हो रहा है, जो गियर टूथ को बेंड करने का ट्राई कर रहा है। तो टेनजेंशियल फोर्स जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से वो वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। तो एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी टेनजेंशियल फोर्स की कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जब बॉटम में लगेगा गियर टूथ के बॉटम में वहां पे स्ट्रेस लगेगा वो भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो अब क्या होगा कि आफ्टर सर्टेन लिमिट्स, लेट से कि पीटी की मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन है, लेको टेनजेंशियल फोर्स या एफटी बोलो पीटी बोलो, वो मैक्सिमम हमें मिल रहा है वो 50 न्यूटन मिल रहा है। अब उससे ज्यादा जाओगे तो क्या होगा, 50 न्यूटन से ज्यादा जाओगे गियर टूथ है उसके बॉटम पे बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा और वो क्या करेगा, टूथ का फेल्योर कर देगा। यानी मैक्सिमम कितना जा सकते हो, 50 तक जा सकते हो। 50 से जैसे ही ज्यादा बढ़ाओगे तो बेंडिंग स्ट्रेस इतना मैक्सिमम हो जाएगा कि गियर टूथ का फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम लिमिट कितनी मिली, 50 न्यूटन, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, बीम स्ट्रेंथ। बीम स्ट्रेंथ मींस मैक्सिमम लिमिट पे आप कितना गियर टूथ पे टेनजेंशियल फोर्स लगा सकते हो विदाउट उसका फेल्योर। यानी गियर टूथ है वो कितना मैक्सिमम टेनजेंशियल फोर्स बियर कर सकता है, कितना उसको वो अपने ऊपर ले सकता है सच दैट के कोई बेंडिंग फेल्योर देखने को ना मिले। तो जो मैक्सिमम फोर्स है जो उसकी सहन करने की शक्ति है कि जहां तक उसको बेंडिंग का फेल्योर नहीं देखना पड़ेगा, पर उसके बाद बेंडिंग फेल्योर हो सकता है, तो जो वो मैक्सिमम लिमिट है उसको हम बोलते हैं बीम स्ट्रेंथ, क्लियर। तो अब आपको ये बीम स्ट्रेंथ क्या है वो समझ में आ चुका होगा। तो यहां पे मैंने एक गियर टूथ एक पिक्चर में ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, तो आप ये गियर टूथ देख सकते हो। अब ये जो आप गियर टूथ देख रहे हो इसकी हाइट है, टूथ की हाइट है h, टूथ की थिकनेस है t, और इसको बोलते हैं b जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं फेस विड्थ। क्या बोलते हैं? फेस विड्थ, जो b लिखा हुआ है उसको बोलते हैं फेस विड्थ। अब ये पूरा गियर टूथ दिखाया हुआ है, मैंने आपको बोला कि हमें कहां पे महसूस करना बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहां पे लगेगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो सबसे ज्यादा लगेगा वो बॉटम वाले पार्ट पे लगेगा, ठीक है। तो ये जो गियर टूथ है उसका बॉटम वाला पार्ट जो मैंने ये रेक्टेंगल करके दिखाया हुआ है बॉटम वाले पार्ट को, आप जो यहां पे देख सकते हो गियर टूथ का बॉटम वाला पार्ट, तो आप अपने आप को उस बॉटम पार्ट की जगह पे रख के सोचो कि वहां पे क्या फील होगा जब टेनजेंशियल फोर्स लगे, तो वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होता होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस सबसे पहले जिसने किया उसको बोला जाता है लुईस एनालिसिस। किसने किया? लुईस ने किया, इसलिए इस एनालिसिस को क्या बोला जाता है, लुईस एनालिसिस। अब लुईस ने क्या सोचा कि यहां पे जो उसने कुछ एजम्पशन लिए, उसने कुछ एज एजम्पशन लिए कि यहां पे जो टेनजेंशियल फोर्स लग रहा है वो यूडीएल है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो सबसे पहले तो उसने एज एजम्पशन किया। दूसरा एजम्पशन उसका ये था कि उसने गियर टूथ को एज अ कैंटिलीवर बीम ट्रीट करा। अब कैंटिलीवर बीम क्या होता है, कोई भी चीज जो एक साइड से फिक्स हो और अदर साइड
साइड से फ्री हो तो उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। जैसे ये आप पेन देख रहे हो मेरे हाथ में, तो एक साइड से फिक्स है, अदर साइड से फ्री है, तो वो कैंटिलीवर बीम हुआ। उसी तरीके से गियर टूथ है, उसको भी उसने कैंटिलीवर बीम तरीके ट्रीट करके पूरा एनालिसिस किया, इसलिए इस एनालिसिस को बोलते हैं लुईस एनालिसिस। अब कैसे कैंटिलीवर बीम हुआ, तो अब गियर टूथ होता है उसका बॉटम वाला पार्ट किससे क्रिएट किससे कनेक्टेड होता है, वो होता है गियर से कनेक्टेड, और टॉप वाला पार्ट क्या होता है, वो फ्री होता है। तो गियर टूथ को हम इस तरीके से कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो उसने इस बीम को एजम्पशन कुछ थे कि यहां पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये जो टूथ है उसके एज ए कैंटिलीवर बीम उसने ट्रीट करा। और भी एजम्पशंस थे, जैसे कि यहां पे बोला इफेक्ट ऑफ रेडियल कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड, यानी मैंने आपको बोला था कि यहां पे दो फोर्स लगते हैं टूथ के ऊपर, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। अब रेडियल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, यानी टूवर्ड्स दी टीथ लगेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टीथ को कंप्रेस करेगा, पर हमें क्या करना है, यहां पे जो रेडियल फोर्स है उसकी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। सो इन दिस एनालिसिस लुईस हैज डन एजम्पशंस दैट रेडियल फोर्स इज नेग्लेक्टेड, और रेडियल फोर्स की वजह से जो गियर टूथ पे कंप्रेसिव फोर्स लगे उसको भी हम नेग्लेक्ट करें, हमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं और उसने क्या एजम्पशंस लिया हुआ था। दूसरा उसने बोला होता इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी कंपोनेंट होता है उसमें अगर उस कंपोनेंट को आप अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करो तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे कि जहां पे स्ट्रेस ज्यादा होगा और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे कि जहां पे स्ट्रेस कम होगा, तो आपको नॉन यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। तो यहां पे उसने क्या बोला है कि ऐसा कोई पार्ट यहां पे नहीं है, तो आपने जो भी चीज यहां पे लेके रखी हुई है उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड। फिर उसका एजम्पशन ऐसा था कि ओनली वन पेयर ऑफ टीथ इज कॉन्टेक्ट एंड टेक्स द टोटल लोड, यानी जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो ड्राइवर का एक टीथ और ड्रीवन का एक टीथ, सिर्फ ये दोनों ही कॉन्टेक्ट में, और बाकी टीथ कॉन्टेक्ट में नहीं है, सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ टीथ कॉन्टेक्ट में और वही सारा लोड ले रहे हैं। सो दीस आर दी एजम्पशंस दैट लुईस हैज डन, और इस एजम्पशन की मदद से उसने लुईस इक्वेशन को डिराइव किया। तो सबसे पहले अब यहां पे देखते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। अब आप देखो इस पेन को देखो, आप वो क्या एक हाथ ये आप देखो इस पेन को, इसको आप कैंटिलीवर बीम समझो, ठीक है। तो एक जगह से फिक्स, अदर जगह से फ्रीज। अब यहां पे मैं टिप वाले पार्ट में, जो यहां पे गियर टूथ में हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स कहां पे लग रहा है, टिप वाले पार्ट में, तो एक्सट्रीम वाले पार्ट में। तो अब एक्सट्रीम वाले पार्ट में इस तरीके से फोर्स लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहां से ये फिर पेन बाहर निकले, इसका बेंडिंग फेलियर हो जाएगा। तो सेम चीज यहां पे हो रहा है कि ये बेंडिंग स्ट्रेस बॉटम वाले पार्ट में सबसे ज्यादा महसूस होगा। तो हमें देखना है कि मैक्सिमम लोड कितना ये सहन कर पाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड जहां तक ये सहन कर पाएगा वो उसका टूथ का बीम स्ट्रेंथ हो जाएगा, उससे ज्यादा जाओगे तो फिर टूथ का फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो यहां पे, मैंने बीसी सेक्शंस बताया हुआ है, बीसी सेक्शंस आप देख रहे हो जहां पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फील हो रहा है। अब ये जो बीसी सेक्शन है आप देखो, मैंने यहां पे भी ड्रॉ करा हुआ है, ये मैं ड्राइंग जो आपको दिखा रहा हूं यहां पे, आप देख सकते हो यहां पे कि ये जो मैं ड्राइंग दिखा रहा हूं, तो वहां पे बीसी सेक्शन है। अब न्यूट्रल एक्सिस यानी क्या होगा, वो सेंटर वाला पार्ट होगा, सेंटर। आप देखो कि बीसी सेक्शन यानी एक टाइप का रेक्टेंगल आप ऐसा समझ लो, उस सेक्शन मैंने अज्यूम किया है। तो ये उसका कुछ सेंटर वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस कहां होता है कि जहां पे स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है। तो देखो आप ये अपर वाले पार्ट में टेंसाइल फोर्स लगेगा और जो बॉटम वाला न्यूट्रल एक्सिस का बॉटम वाला पार्ट होगा वहां पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो ये पूरा बीसी जो सेक्शन है इसमें इस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस के अपर वाले पार्ट में टेंसाइल फोर्स लगने वाला है और बॉटम वाले पार्ट में कंप्रेसिव फोर्स। और न्यूट्रल एक्सिस जहां पे होती है वहां पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए उसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस इसका रेक्टेंगल का किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये बॉटम वाला पार्ट जो रेक्टेंगल की तरह है, तो देखो कोई अगर वो सिमेट्रिक चीज है, रेक्टेंगल है वो एक सिमेट्रिक है, तो उसका न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होगा, उसके सेंट्रोइड से। सो वी कैन ड्रॉ न्यूट्रल एक्सिस लाइक दिस, मैं यहां पे इंक बदलता हूं। देखो ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो इसके सेंटर पास में निकलेगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। रेक्टेंगल वाले सेक्शन को आपको देखना है। सो ये उसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, उसके अपर पार्ट में कैसा फोर्स लगेगा टेंसाइल और लोअर पार्ट में कैसा लग रहा होगा कंप्रेसिव, इसी तरह इसलिए तो वहां पे क्या होगा बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ उसके सेक्शन में इफेक्ट होगी, अपर वाले पार्ट में टेंसाइल लग रहा होगा, लोअर पार्ट में लग रहा होगा आपका कंप्रेसिव फोर्स। अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से इसको अब सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हमें बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है कि कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जाएगा। तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, एम अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। ये आप बड़े हुए हो थियोरी ऑफ मशीन के अंदर, तो मैं अब इसमें डीप में नहीं जा रहा हूं। सो हमें ये इक्वेशन आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। तो अब यहां से हम स्ट्रेस को, यानी स्ट्रेस को अगर हम सब्जेक्ट बनाए बेंडिंग स्ट्रेस को, तो कैन आई राइट एम इंटू वाई अपॉन आई। सो वी कैन राइट यहां पे
एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई है। सो वहां पे आप सिग्मा को सब्जेक्ट बनाए यानी स्ट्रेस को, तो सिग्मा बी इक्वल टू क्या लिखिएगा, एम डॉट वाई अपॉन आई। अब एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट। वाई क्या है कि वाई जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है हमारा, और आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेंडिंग मोमेंट कितना होगा वो देखो, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स, और ये कहां पे लग रहा है, तो टूथ के बॉटम में सबसे ज्यादा, वो सेक्शन हमने कंसीडर किया है, तो टूथ का बॉटम वाला पार्ट, तो उसका डिस्टेंस कहां से, पीटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो एच जितना, टूथ के हाइट के जितना, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, पीटी इनटू एच। सो वी गोना राइट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू पीटी इनटू एच, और यू कैन राइट एफटी इनटू एच। यहां पे मैंने टेंजेंशियल लोड को टेंजेंशियल फोर्स यानी एफटी लिखा हुआ, यहां पे पीटी भी लिख सकते हो, बोथ वे इज राइट, ठीक है, आप एफटी लिखो या पीटी। तो यहां पे मैंने लिखा है एफटी इनटू एच, तो चलो मैं यहां पे पीटी ही लिख देता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे ड्राइंग में पीटी बताया, इसलिए पीटी इनटू एच। अब वाई, वाई यानी तो हमें क्या करना है, वाई यानी ये हाफ थिकनेस लेनी है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, तो हम मान लो कि ये बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस है, तो वो ये देखो आप थिकनेस, अब न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्चुअली एग्जैक्ट सेंटर में है, और ये थिकनेस कितनी है हमारी, थिकनेस जो हमारी है वो टी है, तो हमें क्या लेना है, हाफ हाफ वाला पोर्शन लेना है, वो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका हाफ पोर्शन, तो थिकनेस बाय टू हो जाएगा। तो वो एक्चुअली वाई क्या होता है, वाई होता है कि आपका जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, तो लेट्स से हमें बी पे, ठीक है, बी पे सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है एट पॉइंट बी, तो उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो अब न्यूट्रल एक्सिस कहां से हो, रेक्टेंगल के सेंटर पार्ट्स में जा रही है, तो ये टोटल कितना है टी, रेक्टेंगल का हाइट टी, तो उसका आधा, तो बी पॉइंट का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस कितना हो जाएगा, टी बाय टू, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टी बाय टू। सो यहां पे रखते हैं हम हाफ थिकनेस, सो दैट वी कैन राइट टी बाय टू। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल वाला पार्ट का लेना है हमें, कि जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, तो उसका हमने जो अंडर स्टडी लिया, तो उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो क्या लेंगे हम, विथ इनटू हाइट क्या हो जाएगी उसकी टी, विथ हो जाएगी बी, हाइट हो जाएगी टी, तो इट विल बी बीटी क्यूब बाय 12, दैट ए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम पढ़े हुए रेक्टेंगल का लिखना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं बीटी क्यूब बाय 12। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का हम कुछ इस तरीके से इक्वेशन लेके आए, अब इसको सोल्व करेंगे, सो आप इसको सोल्व कर देना, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पर इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, वीडियो पॉज करो, इसको सोल्व करोगे, तो आपको इस तरीके से मिलेगा बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 6। अब यहां पे एफटी की जगह मैं पीटी लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, तो यहां पर ड्रॉइंग में भी मैंने पीटी लिखा, तो फिर यहां पर भी, तो हमें क्या मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा हमें 6 पीटीएच अपॉन बीटी स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा हमें बेंडिंग स्ट्रेस। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, अब मैं यहां पे पीटी यानी टेंजेंशियल लोड को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो अगर मैं टेंजेंशियल लोड को सब्जेक्ट बनाता हूं, सो कैन आई राइट लाइक दिस सिग्मा, आप देखो यहां पे इस तरीके से था, तो मैं इस इक्वेशन में से पीटी यानी टेंजेंशियल लोड को सब्जेक्ट बनाता हूं, सो कैन वी राइट सिग्मा बी इनटू बीटी स्क्वायर अपॉन 6h, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखना, अब ये जो टेंजेंशियल लोड है हमारा, अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मॉड्यूल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मॉड्यूल से डिवाइड कर रहा हूं, एम से मल्टीप्लाई किया और एम से डिवाइड किया, यही सेम इक्वेशन में मैंने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, तो एक मैंने एक अलग ऐसा टर्म बनाया, देखो आप देख सकते हो ये टर्म को मैंने अलग किया t square upon 6hm, तो इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल y, जिसको मैं बोलूंगा लुईस फॉर्म फैक्टर, इसको हम बोलेंगे लुईस फॉर्म फैक्टर। तो अब टेंजेंशियल फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो m एज इट इज, b एज इट इज, इसको मैं क्या बोलूंगा y इनटू सिग्मा b, सो अब हमारा टेंजेंशियल फोर्स या फिर टेंजेंशियल लोड, अब यहां पे ft की जगह पे लिख देता हूं pt, सो टेंजेंशियल लोड का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, m dot b, m यानी मॉड्यूल, b यानी फेस विथ, y यानी लुईस फॉर्म फैक्टर एंड सिग्मा b यानी बेंडिंग स्ट्रेस। देखो आप इस इक्वेशंस को ध्यान से देखो, तो अब देखो जैसे ही हम यहां पे यानी टेंजेंशियल लोड की वैल्यू जैसे हम बढ़ाएंगे, जितना हम टेंजेंशियल लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये मॉड्यूल b, ये फेस विथ, ये सब फिक्स होता है कोई भी चीज के लिए अगर लुईस फॉर्म फैक्टर ले, तो अब जैसे ही आप देखो कि यहां पे इस इक्वेशंस के अंदर pt यानी टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग स्ट्रेस, तो अब जैसे जितना टेंजेंशियल लोड ज्यादा बढ़ाओगे उतना बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो अब देखो व्हेन बेंडिंग स्ट्रेस रीचेस इट्स लिमिटिंग वैल्यू, यानी वो एक मैक्सिमम जगह पॉइंट पे पहुंच जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, द कोरस्पोंडिंग टेंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड बीम स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको बोला दिया ना कि जैसे आप पीटी बढ़ाते जाओगे, टेंजेंशियल फोर्स बढ़ाते जाओगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक उसकी एक लिमिट आ जाएगी। अब उससे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका गियर टूथ का फेलियर
फेलियर हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम लिमिट तक वो सहन कर सकता है बेंडिंग स्ट्रेस, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट उस टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा, तो उस टेंजेंशियल फोर्स को बोलेंगे हम बीम स्ट्रेंथ। या फिर आप इस तरीके से सोचो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल लोड किसको हम बोलेंगे। मान लो कि मैं बोलता हूं गियर टूथ का टेंजेंशियल लोड है 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन तक उसके ऊपर लोड लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब तक का वो अकॉर्डिंग टू दैट जैसे 50 न्यूटन का टेंजेंशियल लोड लगाओगे तो उसके हिसाब से जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो सहन कर लेगा। पर जैसे आप 50 न्यूटन से ज्यादा करोगे अब बेंडिंग स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि गियर टूथ उसको सहन नहीं कर पाएगा और उसका फेल्योर हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। तो कितने तक वो साइन कर सकता है 50 न्यूटन, तो वो उसका क्या हो जाएगा बीम स्ट्रेंथ। तो बीम स्ट्रेंथ शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम लोड दैट गियर कैन बियर विदाउट बेंडिंग फेलियर, ठीक है। गियर टूथ कैन बियर विदाउट बेंडिंग फेलियर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बीम स्ट्रेंथ। तो हमने ये यहां पे लेके आया, तो इसको बोलते हैं बीम स्ट्रेंथ। तो अब मैंने वहां पे लिखा था टेंजेंशियल लोड लिखा था, तो अब इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, कैन आई राइट टेंजेंशियल लोड है उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। अब यहां पे बीम स्ट्रेंथ करते हैं, यानी एफ बी लिख देता हूं। तो सेम चीज को मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे मैं लिख रहा हूं उसको एज अ एफ बी। तो ये वो क्या हो जाएगा हमारा बीम स्ट्रेंथ। तो क्या इक्वेशन था, एम बी वाई सिग्मा बी, जहां पे एम मॉड्यूल है, बी फेस विड्थ है, वाई लुईस फॉर्म फैक्टर है, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेंथ है। तो इसको कहीं जगह पे एफ बी और एफ एस भी लिखते हैं, यानी बीम स्ट्रेंथ। तो किस किस कुछ किताबों में आप देखोगे वहां पे एफ बी भी लिखा होगा या एफ एस लिखा होगा या क्या, ठीक है। तो अब इन ऑर्डर टू अवॉइड फेल्योर, अब गियर टूथ का हमें फेल्योर है वो ना हो, उसको अवॉइड करना, तो हमारे क्या देखना चाहिए, तो हमारा जो फोर्स लग रहा हो गियर टूथ के ऊपर, जिसको मैं बोल रहा हूं एफ इफेक्टिव, जो गियर टूथ पे एक्चुअल जो फोर्स लगेगा वो बीम स्ट्रेंथ से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि गियर टूथ का बीम स्ट्रेंथ है जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो गियर टूथ हो जाएगा। मान लो कि गियर टूथ का बीम स्ट्रेंथ है 50 न्यूटन और उसके ऊपर एफ इफेक्टिव जो लग रहा है वो 30 न्यूटन, तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 50 न्यूटन मैक्सिमम है और अभी तो आपने 30 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर मैं बोल रहा हूं गियर टूथ का बीम स्ट्रेंथ कितना है 50 न्यूटन और इफेक्टिव दे रहा हूं 60 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू अवॉइड फेलियर योर बीम स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो लुईस इक्वेशन है किसे अप्लाई होता है, तो अब जब हम गियर के न्यूमेरिकल हम करेंगे तो इसमें दो चीज होगी, गियर होगा और पिनियन होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसमें से हमें वीकर मेंबर ढूंढना होगा और जो वीकर मेंबर होगा उसमें ही हम इस लुईस इक्वेशंस को अप्लाई कर पाएंगे। अब आप बोलोगे सर वीकर सेक्शन गियर और पिनियन, इसका आप जब न्यूमेरिकल गिनेंगे तो इस दोनों में से वीक मेंबर कौन है वो कैसे हम ढूंढ पाएंगे, तो देखो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर गियर और पिनियन दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हुए तो आपको क्या करना है, पहले गियर के लिए आप बीम स्ट्रेंथ ढूंढिए। तो गियर के लिए बीम स्ट्रेंथ क्या होगी, एम बी वाई सिग्मा बी। अब एक देखो गियर और पिनियन जो होता है ना उसके मॉड्यूल सेम होता है और उसका फेस विड्थ भी सेम होता है, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि गियर का मॉड्यूल 2 है और पिनियन का मॉड्यूल 4 है और उसका मैचिंग करवा सको, वो कभी भी नहीं हो सकता। गियर और पिनियन जिसका मैचिंग हो रहा है उन दोनों का मॉड्यूल ऑलवेज सेम होता है मेरे बच्चों। तो गियर और पिनियन दोनों का होता है उसका मॉड्यूल ऑलवेज सेम होता है, सो ये दिमाग में रख लो। गियर और आपको गियर और पिनियन कभी कभी डिफरेंट मॉड्यूल वाले चीज नहीं मिलेंगे, दोनों का मॉड्यूल क्या होगा सेम। तो आप देख लो गियर और पिनियन दोनों के लिए मॉड्यूल क्या होगा सेम, फेस विड्थ क्या होगी सेम, तो एम और बी सेम ही होता है, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है अगर वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए गियर और पिनियन तो उसके लिए वाई यानी लुईस फॉर्म फैक्टर और सिग्मा बी वो अलग अलग होगा। तो हमें क्या करना है कि गियर के लिए हमें वाई और सिग्मा बी ढूंढना है, उसकी जो वैल्यू है वाई यानी लुईस फॉर्म फैक्टर और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मान लो कि उसकी कुछ वैल्यू आई 50। ओपिनियन के लिए करा तो उसका मैंने लुईस फॉर्म फैक्टर और बेंडिंग स्ट्रेस का मल्टीप्लिकेशन किया तो वो आया 32, तो वीकर कौन हुआ जिसकी वैल्यू कम आई, तो यहां पे अगर ओपिनियन की आई है 32 तो पिनियन हो गया वीकर क्योंकि गियर की थी 50। तो ये वाई इंटू सिग्मा बी यानी लुईस फॉर्म फैक्टर इंटू बेंडिंग स्ट्रेसिस दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिसाइड करेगा कि कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन वीकर है, और जो वीकर होगा उसके लिए ही लुईस इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। ये दिमाग में याद रखना, अभी शायद समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा कब, जब गियर और पिनियन दोनों डिफरेंट मटेरियल का हो तब, क्योंकि एम और बी तो दोनों के लिए सेम होता है, सिर्फ वाई और सिग्मा बी ये डिफरेंट होता है, तो वाई और सिग्मा बी का मल्टीप्लिकेशन ही डिसाइड करेगा कि कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन वीकर है, जो वीकर है उस पे हम लुईस इक्वेशन लगाएंगे। दूसरी चीज, अब मैं बोलता हूं गियर और पिनियन दोनों सेम मटेरियल के, तो एम और बी तो वैसे भी दोनों के लिए सेम होता था, अब जब सेम मटेरियल यूज करते हो तो बेंडिंग स्ट्रेस भी सेम हो जाता है, तो अब क्या
क्या होता है कि जब गियर और पिनियन आप सेम मटेरियल का लोगे तो हम बाय डिफॉल्ट पिनियन को ही वीकर लेके हम एग्जांपल गिनेंगे। तो ये याद रख लो, अगर डिफरेंट मटेरियल है तो वाई इंटू सिग्मा भी डिसाइड करेगा, अगर गियर और पिनियन सेम मटेरियल का बना हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम पिनियन को ही वीकर मेंबर लेके उस पर ही लुईस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो लुईस इक्वेशन कहां पे अप्लाई होता है, जो वीकर मेंबर होता है वहां पे लुईस इक्वेशन अप्लाई होता है। ठीक है, ओके डन। सो ये मैंने आपको बता दिया जो बताना था। अब देखो, अब लुईस फॉर्म फैक्टर जो होता है वो आप टेबल भी आपको दिया गया होता है, तो आप टेबल के हिसाब से, टेबल दिया गया होता है मींस आपको डिजाइन डेटा बुक यूज करना होता है। तो मैंने यहां पे एक टेबल दिखाया हुआ है, देखो Z यानी नंबर ऑफ टीथ, ये 20 डिग्री प्रेशर एंगल के लिए लुईस फॉर्म फैक्टर देके रखा हुआ है। तो मैं बोलता हूं कि मेरे मान लो कि पिनियन वीकर मेंबर है, तो पिनियन के लिए लुईस फॉर्म फैक्टर क्या होगा, तो 20 डिग्री वाला प्रेशर एंगल वाला है तो मैं देखता हूं कि मेरा पिनियन का टीथ है 18, तो चलो टीथ ये Z यानी नंबर ऑफ टीथ तो मेरा 18 है, उसके लिए लुईस फॉर्म फैक्टर y कितना देके रखा है 0.308, तो मैं ले लूंगा y इक्वल टू 0.308। तो आप देखो ये 15 से लेके आप देखो 300 नंबर ऑफ टीथ के लिए ये आपको लुईस फॉर्म फैक्टर यहां पे देके रखे हुए, तो आप टेबल से भी ढूंढ सकते हो। कभी-कभी क्या होता है कि लुईस फॉर्म फैक्टर आप मैन्युअली भी ढूंढ सकते हो, यानी कभी-कभी क्या होगा एग्जांपल के अंदर, एग्जाम के अंदर क्या करेगा वो इस तरीके से मैन्युअल दे देगा। आप स्क्रीन में देख रहे हो कि y 0.55 -2.642 / z, z यानी नंबर ऑफ टीथ, तो मान लो कि आपको पिनियन का लुईस फॉर्म फैक्टर ढूंढना है, तो पिनियन का टीथ है 18, तो z की जगह पे 18 लिख दो और इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर दो, आपको लुईस फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा। तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर डिजाइन डेटा बुक का यूज उनको वो अगर चाहता है एग्जामिनर के यूज ना करे तो आपको ये मैनुअल फॉर्म में दे देगा। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है y का इक्वेशन है फॉर 20 डिग्री सबस्ट्रीम, दूसरा इक्वेशन है फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम और तीसरा है फॉर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप डिजाइन डेटा बुक से भी उसको कर सकते हो, कभी-कभी उसको आप मैनुअल भी दे देगा, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ टीथ डाल के इस इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको लुईस फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा। सो बस दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी वो होगा वियर स्ट्रेंथ। तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे।